भागलपुर से इस वक्त की एक बेहद ही अच्छी और दिल को सुकून देने वाली खबर आ रही है। जिले में फिलहाल एक भी कोरोना से संक्रमित मरीज नहीं है। इसकी विधिवत जानकारी देते हुए जिलाधिकारी प्रणव कुमार ने बताया कि जिले में एक भी कोरोना से संक्रमित मरीज नहीं है। उन्होंने कहा कि भागलपुर में 3 अप्रैल को पहला पॉजिटिव मरीज मिला था, लेकिन वो भी पूरी तरह स्वस्थ होकर अस्पताल से जा चुका है। जिलाधिकारी की माने तो पहला मामला आने के बाद पूरे क्षेत्र को सील कर सभी की स्क्रीनिंग कराई गई थी, लेकिन इसमें एक भी नया मामला नहीं आया है। वहीं जिलाधिकारी ने स्क्रीनिंग और जिले में जारी लॉकडाउन में सहयोग के लिए जिलावासियों की जमकर तारीफ करते हुए आगे भी उनसे लॉकडाउन का पालन करने की अपील की है। जिले में 3 अप्रैल को पहला पॉजिटिव केस आया था। उस केस के पहले भी हम लोग यद्यपि लगातार अपना प्रयास कर रहे थे, लेकिन उस केस के बाद जो केस डिटेक्ट हुआ, हम लोगों ने पूरे एरिया को कंटेनमेंट जोन बनाया और कंटेनमेंट जोन में लगातार सर्वे और स्क्रीनिंग कर करके एक एक व्यक्ति की जांच की गई और इसके अलावा जो भी कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग थी उन लोगों के सैंपल लिए गए और ये सुनिश्चित किया गया कि कोई भी व्यक्ति स्क्रीनिंग से नहीं छूटे। उसका परिणाम है कि आज 14 दिन 15 दिन बीत गए हैं और कोई भी नया केस हम लोगों के सामने पॉजिटिव भागलपुर जिले में प्राप्त नहीं हुआ है। इसमें सभी लोगों का प्रयास बिल्कुल रहा है और इसके लिए मैं लोगों को भी धन्यवाद देना चाहूँगा कि जिन्होंने घर में रहने के लिए जो स्टे होम है उसको उन्होंने परिपालन किया है और आगे भी मैं उम्मीद करूँगा कि ये हम लोगों की जो उपलब्धि है ये अभी फाइनल उपलब्धि नहीं मानी जानी चाहिए, क्योंकि अगले 14 दिन भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट हैं और यदि हम इस पूरे क्षेत्र में कोई भी नया पॉजिटिव केस नहीं आने दें या अपनी ट्रैकिंग को इतना बेहतर रखें तो हम लोग इसको लगातार करा रहे हैं। बिल्कुल ट्रैकिंग लगातार जारी है, हाउस टू हाउस डोर टू डोर सर्वे कराया जा रहा है और ये सुनिश्चित किया जा रहा है कि कोई भी सस्पेक्टेड व्यक्ति हम लोगों के रडार से नहीं छूटे और हम लोग संकल्पित हैं कि भागलपुर जिले में कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकथाम सुनिश्चित कराएंगे।